आज जो जो तिथि हम मना रहे हैं तीस जनवरी 2020 की बहत्तर साल हो गए हैं गांधी जी को खोकर और इसके पहले कि मैं कुछ कुछ चंद शब्द ये एन आर सी ए, पे बोलूँ एन पी आर पे बोलूँ मैं चाहती थी क्योंकि पूना पूना में ये बात बात हो रही है और चार साल पहले मैंने पाँच साल पहले मैंने एक किताब प्रकाशित की थी गांधी जी की हत्या को लेकर तो चंद बातें वो हत्या को लेकर मुझे यहाँ रखना मैं ज़रूरी समझती हूँ यंग इंडिया और हरिजन मैं बार बार नौजवान कार्यकर्ताओं को कहती हूँ कि बाकी सब पढ़ाई तो हमने छोड़ी दी व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन के पूरे चक्कर में मगर यंग इंडिया हरिजन मूल नायक जनता इस तरह के जो अखबार गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार प्रकाशित करते थे आ, वो उनके विचारधारा से आ, हमें बहुत प्रभाव भी मिलता है और वो उनके जो पूरे मेंटल प्र, प्रोसेस और उस वक्त का जो राजनीति थी उसको समझने का बहुत अच्छा एक अवसर मिलता है तो आ, ये जो किताब हमने प्रकाशित की थी मैंने जानबूझ के इसको इसलिए प्रकाशित की थी कि वो मेरे आ, मैं जब पत्रकारिता में आई त्रियासी में तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे महाराष्ट्र टाइम्स के आ, उनके उनका बहुत जल्दी निधन हुआ कैंसर uh, से मगर उन उनकी एक छोटी सी मराठी में पुस्तिका है uh, मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम सब पढ़ें और पहली बार हमने उसको अंग्रेज़ी में यही किताब मिल लाया महात्मा से अखेर नाइनटीन uh, एट में पहली बार प्रकाशित हुई थी और uh, मेरे लिए और काफ़ी बहुत सारे उस वक्त के नौजवान अभी हम नौजवान नहीं रहे नहीं रहे कि ये जानकारी मिलना कि गांधी जी की जब हत्या हुई अड़तालीस uh, uh, में तो ये पहला हमला नहीं था ये छठवा हमला था जो सफल हुआ हथियारों के लिए इसके पहले पांच हमले हुए थे और छः टोटल छः हमले में से तीन में नाथुराम गोडसे से खुद इन्वॉल्व थे ये मतलब एक बहुत ज़रूरी है जानकारी देना लोगों को क्योंकि हमें समझ ये बार बार दी जाती है कि एक स्पॉन्टेनियस कुछ गुस्सा आ गया लोगों को क्रोध आ गया पाकिस्तान हो रहा था पचपन करोड़ पैसा हिंदुस्तान भारत पाकिस्तान को दे रहा था ये बकवास है चो, चो, पहला पहला हमला चौंतीस में हुआ 1934 में हुआ और मैं मानती हूँ कि चौंतीस के पहले दो तीन साल की अगर हम राजनीति बारीकी से देखें तो हमें समझ में आता है कि ये जो तीस जनवरी अड़तालीस को जो हमला करके हिंदुत्ववादी ताकतों ने पहला आतंकी हमला आज़ाद आज़ाद भारत में किया और ऐलान उनका ये था और आज तक है कि गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत हमें मंजूर नहीं है वो गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत के एक प्रतीक गांधी जो व्यक्तिगत स्तर पे एक मजहबी और धार्मिक इंसान थे मगर वो स्पष्ट तरीके से शुरुआत से कह रहे थे कि देश हमारा धर्मनिरपेक्ष रहेगा राज और सरकार और धर्म के बीच में कुछ तालमेल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस चीजें हैं दोनों चीजें निष्पक्ष एक स्टेट होना चाहिए उन्हें सोमनाथ मंदिर को पैसे देने से आ, आ, कहा कि सरकार को नहीं देना चाहिए जात को लेकर भी बहुत विवाद है गांधी जी की आ, गांधी जी की उस समझने वाले या नहीं समझने वाले को और मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद कम से कम गांधीवादी और अंबेडकरवादी इतनी तो दूरदर्शी दिखाए कि साथ में बैठ के कुछ चर्चा करे क्योंकि जब दो इतने महापुरुषों के बीच में एक दूसरे के बीच में आदर था तो हम क्यों एक अलग अलग लकीर बन के खड़े हैं ये मैं बार बार ये बात रखती हूँ लोगों के सामने कम लोग इसको सुनते हैं आ, मैंने आ, तीस जनवरी नाइन्टी एट को मैंने महानगर जो निखिल जी का अखबार निकलता था उनके लिए मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था और उसमें मैंने खोज खोज के ये बात निकाली थी कि जब खबर आई शाम को पाँच बजे अठारह मिनट के बाद जब गोली लगी है गांधी जी का आ, हत, गांधी जी की हत्या हुई है दिल्ली में तो सबसे पहले वहाँ पे स्थल पे पहुँचने वाले में बाबा साहेब अम्बेडकर थे ये इतिहास गवाह है ये बात का आ, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में उनका नज़रिया अलग हो मैं मानती हूँ कि जमहूरियत और लोकशाही में अलग अलग नज़रिए से ही लोकशाही मज़बूत होती है मगर इस तरह से नफ़रत से एक दूसरे को देखना मुझे लगता है कि हमारे पुरोगामी आ, विचारधारा और पुरोगामी संघर्ष को बहुत नुकसान कर रहा है तो इसीलिए मैं वापस ये मौके पर कहती हूँ कि गांधीवादी और अम्बेडकर को अपनी ज़िम्मेदारी इस मौके पे समझ करके साथ में काम करने का काम शुरू करना चाहिए तो ये एक ऐलान था 30 जनवरी 48 को कि बस हम नहीं चाहते कि ये देश कभी धर्मनिरपेक्ष रहे या बने या टिके और ये जंग आज भी चला है और आज हमारे दुर्भाग्य ये देश की कि आज़ादी के आंदोलन जिस तरह लड़ा गया जिस तरह अलग अलग तबकों ने आज़ादी के संघर्ष में बलिदान और कुर्बानियाँ दी जिसमें कोई ऐसा तबका नहीं था जिन्होंने अंग्रेज अंग्रेज़ हुकूमत को अलग अलग तरीक़ों से चैलेंज किया चाहे वो आदिवासी हो सांथाल हो कामगार हो किसान हो हिंदू हो ब्राह्मण हो दलित हो क्रिस्ती हो मुसलमान हो आ, अ, अल अलग अलग भाष्य हो आ, मगर मैं मानती हूँ कि ये जो पूरा हमारा इलाका है दक्षिण एशिया का भारत तो भारत का निर्माण तो आज़ाद भारत का तो सैंतालीस में हुआ मगर ये दक्षिण एशिया का जो एक पूरा इलाका है उसने सदियों से मुझे लगता है चार पाँच हज़ार सालों से जात व्यवस्था को गैर बराबरी को गैर समानता को चुनौती देने वाले काम हमारे बहुत बड़े संतों ने भी किया है इंटेलेक्चुअल्स ने भी किया है चाहे वो बसवन्ना हो कबीर हो तो हो एकनाथ हो नामदेव हो पुले हो अम्बेडकर हो तो ये कहना कि संवैधानिक वसूल बराबरी और समता के वसूल भारतीय नहीं है मुझे लगता है वही लोग ये कह सकते हैं जो इतिहास को नहीं जानते या तो इतिहास को छुपाने का काम कर रहे हैं समता और बराबरी की लड़ाई शमन और ब्राह्मण के बीच में विवाद सदियों से चल रहा है और शमनों की जीत ही होगी यही मान के हम लोग शमनों की आ, के पक्ष में बोलते हैं तो चौंतीस तो तो में पहला हमला होता है गांधी जी की जान पर और चौंतीस के चौंतीस पह, के पहले अगर तीन साल आप देख लें तो बहुत उथल पुथल हो रही थी हमारे देश में आज़ादी के संघर्ष को लेकर इकतीस में 1931 में भगत सिंह राजगुरु वगैरह की फांसी लगाने देने के बाद बहुत बड़ा एक आक्रोश था नौजवानों में उनको लग रहा था कि ब्रिटिश हुकूमत बहुत ही क्रूर तरीके से ये हो रही है और उसी दरमियान मार्च इकतीस में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कराची रेजोल्यूशन पास होता है और मैं बार बार एक इतिहास की मैं एक अभ्यास का स्टूडेंट हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर आप 31 का रेजोल्यूशन पढ़ें सुभाष चंद्र बोस का भी असर है वो रेजोल्यूशन पर पहली बार आ, स्वर, स्वर पूर्ण स्वराज का निर्माण कैसे होगा और ये देश किस आधार पे किस बुनियाद पे ये देश का निर्माण होगा ये पहली बार कराची रेजोल्यूशन ने देश और दुनिया के सामने रखा किसानों के अधिकार आ, कामगारों के अधिकार महिलाओं के अधिकार समान अधिकार जात व्यवस्था को लेकर सवाल ये सब आपको कराची रेजोल्यूशन में पाए जा सकते हैं और 33 में उनके हमला होने के एक साल पहले 1934 में पहला हमला होता है उसके बाद 46 में दो होते हैं उसके बाद में 48 में होता है और फिर आखिरी वाला होता है 33 में दो कानून के ऊपर गांधी जी अपना बल देते हैं अपना आवाज़ देते हैं एक तो वन बिल टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी और दूसरा धर्मनिरपेक्ष देश अगर होना चाहिए तो धर्मनिरपेक्ष तो मैं बार बार कहती हूँ कि एक ऐसे इंसान हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए तब भी और आज भी इतने खटमल बन के क्यों रहते हैं इतने तकलीफ़ क्यों देते रहे क्योंकि वो हिंदू मुसलमान समताक को लेकर अपनी जान लेने के लिए एक बार नहीं कई बार सड़क पे आए नोखाली को हमने देखा आ, पूरे बंटवारे विभाजन के आ, कौमी दंगों को देखा मगर बुनियादी स्तर पे वैचारिक स्तर पे उनके दिमाग में बात स्पष्ट थी कि अगर भारत हिंदुस्तान को एक बन के मजबूत होना है तो आपको हर तबके को कम से कम समानता और बराबरी का सपना तो देना ही पड़ेगा अधिकार तो देना ही पड़ेगा जिस दिन आप वो समानता और समता और बराबरी का अधिकार छीनने की बात करेंगे तब तक तब से अखंडता ये देश की जो पूरी अखंडता है और एकता है उसके ऊपर सवाल लोग उठाएंगे क्योंकि लोग चिंतित हो जाएंगे कि अगर मेरे देश में मुझे वो स्थल नहीं मिल रहा है वो जगह नहीं मिल रही है तो मैं ये देश की नहीं हो सकती हूँ तो मैं मानती हूँ इसीलिए गांधी जी हिंदुत्ववादी वा, ताकतों को ले तब भी और आज भी बहुत बड़े एक चुनौती देने वाले इंसान हैं क्योंकि उन्हें जात व्यवस्था पे भी हो सकता है उनका तरीका जो था जात व्यवस्था को टैकल करने का उसके साथ हमारे विवाद हो वायकॉम सत्याग्रह में पीछे क्यों गए टेंपल एंट्री में पीछे क्यों हटे हरिजन शब्द क्यों इस्तेमाल किया इसके ऊपर बहस होनी भी चाहिए और जैसे मैंने कहा लोकशाही में ज़रूरी भी है मगर ये कहना कि वो जात व्यवस्था के पक्ष में थे ये मैं मानती हूँ कि बिल्कुल इतिहास को नकारना है तो उन्होंने जात व्यवस्था को एक मॉरल डिग्रेडेशन समझा हिंदू समाज के लिए और उन्होंने कहा कि जब उनको पूछा गया कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म के लिए तो जात व्यवस्था ज़रूरी है आप कैसे इसको अबोलिश कर सकते हैं तो उनके उनका जवाब ये था कि अगर कोई भी धर्म मज़हब और मेरे धर्म मज़हब में ऐसी कोई प्रैक्टिस हो ऐसी कोई विचार हो ऐसे कोई चीज़ हो जिससे विच इज़ रिपग्नेंट टू मैनकाइंड मतलब जो मानवता को एक एकदम नीच चीज़ है तो वो धर्म एक साइड पे रखो और कानून उसके खिलाफ होना ही चाहिए तो बहुत स्पष्ट थे इसके बारे में और जहाँ धर्मनिरपेक्षता के बारे में है तो उन्होंने रेवरिंड कलास को भी कहा था 1947 में एक स्कॉटिश मिशनरी थे उनको कहा था उन्होंने कि अगर मैं ये देश का डिक्टेटर रहता तो मैं कहता कि कभी भी सरकार गवर्नमेंट और धर्म का तालमेल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि जैसे आप तालमेल करेंगे तो गैर बराबरी की बात आ जाती है गैर समानता की बात आ जाती है तो मैं मानती हूँ इसीलिए गांधी जी इन, इन 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 ताकतों के लिए तब भी और आज भी एक बहुत बड़े ऑब्स्टिकल रहे हैं और बहत्तर साल के बाद भी अगर ऐसे ऐसे महफिलों में हमें ये बात कहनी पड़ती है और मैं तो खुल के कहती हूँ कि अफसोस की ये बात है कि गांधी हम शर्मिंदा है आपके कातिल ज़िंदा है और आप ज़िंदा ही नहीं हैं आज दिल्ली और बाकी देश राज्यों में पूरे संविधान को ख़त्म करने पे तुले हैं और संविधानिक पदों पे बैठ के संविधान को ख़त्म करने पे तुले हैं ये भी कहना ज़रूरी है सी ए और एनआरसी को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही गई है मैंने कम से कम गए तीन चार महीने में 200 से ऊपर भाषण तकरीरें दी है तो मैं सब कुछ नहीं बोलूंगी इतना ही कहूंगी कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 बुनियादी स्तर पे न सिर्फ गैर संवैधानिक है और असंवैधानिक है मगर एक पहला कदम है कि कानून के दायरे के अंदर धर्म और मजहब की एक लकीर खींचने की और इसीलिए अगर गांधी जी अगर आज होते और मैं मानती हूँ हैं हमारे बीच बहुत सारे गांधी जी हैं वो ज़रूर इसका विरोध करते आ, वो इसी तरह विरोध करते जैसे शाहीन बाग में विरोध हो रहा है वो उसी तरह विरोध करते जैसे रोशन बाग में हो रहा है वो इसी तरह विरोध करते जैसे कोने कोने में हो रहा है शांति पूर्वक अहिंसक अहिंसक ढंग से दोस्तों आ, सरकार ने कुछ बातें कही पंद्रह सोलह में सरकार की बड़े बड़े पद में बैठे हुए नेता ने कही कि क्रोनोलॉजी हम ऐसा करेंगे कि ये दुरुस्ती कानून लाने के बाद एक तबके को बचाने का एक रास्ता क्लियर कर देंगे उसके बाद हम एन पी आर एनआरसी लाएँगे जब उनका विरोध उनके सामने आया तो वो क्रोनोलॉजी खुद डिनाई करने लगे तो वो क्रोनोलॉजी को समझने के लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब ही आपके पास है अब यूट्यूब देख के ही तय कर सकते हैं कि झूठ कौन है और सच कौन है मगर बुनियादी सर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर नागरिकता को एक दस्तावेज या कागज़ से तोला जाता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वेबसाइट पे एक पुस्तिका निकाली है नागरिकता संशोधन कानून एक परिचय और उसमें उन्होंने काफ़ी लोगों के कोटेशंस डाले हैं नेहरू जी के गांधी जी के पटेल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो सब पूरे टोली में सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी टोली के हैं बाकी सब उनके विरोध के टोली के हैं फिर भी उन्होंने कोटेशन उनके डाले हैं गांधी जी का कोटेशन उन्हें जो डाला है उसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सैंतालीस में सितंबर सैंतालीस में जब खून खराबा हो रहा था बंटवारा विभाजन को लेकर तो उन्होंने हिंदू सिख भाई बहनों को कहा कि आप बिल्कुल यहाँ पर रह सकते हैं ये देश आपको पूरा श्रेय देगा हमने हमारे वेबसाइट पे सबरंग इंडिया डॉट इन पर हमने एक एक लाइन का जवाब दिया है पुस्तिका का और हमने कहा कि बिल्कुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू सिख भाई ये देश में रह सकते हैं मगर 19 दिसंबर सैतालीस को घसेड़ा गांव में मेवाट के मेओ के घसेड़ा गांव में जो गांधी जी ने ऐलान किया था उस पर तो भारतीय जनता पार्टी खामोश है क्योंकि गांधी जी वहाँ गए थे और हमारे सत्तर हज़ार बड़ी सभा थी वहाँ आपकी मेवाट मेव मतलब मुसलमान उनके सामने जाके गांधी जी कहते हैं कि ये देश की मिट्टी ये देश की सरजमीन आपकी है और आप छोड़ के नहीं क्योंकि घबराहट थी बंटवारा विभाजन को लेकर दंगा खून खराबा हो रहा था और गांधी जी ने देशवासियों के आधार दे कर, आधार देकर उन्होंने आधार देकर किया कहा मेवाट मेवाट मुसलमानों को कि ये देश आपका है बराबरी का दर्जा आपको हम दे के रहेंगे ये देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा तो ये बात तो आपको भारतीय जनता पार्टी की पुस्तिका में नहीं मिलेगी क्योंकि बुनियादी स्तर पे वो सिर्फ इतिहास को मरोड़ने का काम करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है एनआरसी क्या है इसके ऊपर बहुत सारी बातें कह गए ऑलरेडी कह चुकी है मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए मगर एन पी एनआरसी है एनपीआर के लिए आप और हमारे घर में कोई आएगा ऑफिसर काफी चीजें पूछेगा और उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी एक सूची बनाई जाएगी जो कलेक्टर के ऑफिस में एक तालुकदार बनाएगा एक महीने का समय दिया जाएगा आप इसमें इनके अंदर हैं या नहीं है अगर आप इसमें आ गए तो बाकी समाज को एक महीने का समय दे दिया जाएगा ऑब्जेक्शन लाने के लिए और आसाम की मैं बस दो तीन आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ कि आसाम का एक बहुत पेचीदा इतिहास है वो इतिहास मैं बता ही जाऊँगी तो एक घंटा लगेगा मैं नहीं करूँगी मगर इतना कहूँगी कि वहाँ पे जो एन की प्रक्रिया शुरू की गई चूँकि वहाँ पे एक आसाम अकॉर्ड हुआ था चूँकि वहाँ पर एक आसाम मूवमेंट हुआ था चूँकि वो हिंसिक मूवमेंट था आज़ाद भारत का पहला जनसहार गुजरात 2002 के मैं विनंती करती हूँ आप सब से उनको दंगो दंगा मत कहिए वो जनसहार था पहला आज़ाद भारत का जनसहार नेली में हुआ 18 फ़रवरी तिरासी को और उसी वेव में हुआ उसी भावना को लेकर हुआ भारी कौन है यहाँ का कौन है आसाम भाषी कौन है बंगाली भाषी कौन है छः घंटे के छोटे से समय के अंदर ढाई हज़ार मुसलमानों का कत्लेआम होता है नैली में तो ये इतिहास है बहुत पेचीदा है बहुत हिंसक है और उस वक्त पुरोगामी चलवल के पुरोगामी चलवल लेफ्टिस्ट चलवल के उनसा मतलब फिफ्टी नाइन एक्टिविस्ट को भी मारा गया क्योंकि ये सिर्फ वो एक्टिविस्ट पुरोगामी चलवल के लोग थे जो ये मूवमेंट को फांसीवाद मूवमेंट कहते थे कि ये पुरोगामी मूवमेंट नहीं है तो ये सब इतिहास होने होते होते वहाँ पे एनआरसी तय हुआ और हमने हमने जब वहाँ पे काम शुरू किया और मैं तो सिर्फ सीजेपी की सेक्रेटरी हूँ इसलिए मेरा नाम जुड़ा जाता है वहाँ पे हमारी ऑटोनमस बहुत ही बढ़िया टीम है वो काम कर रही है हम सिर्फ उनको पाठिंबा दे रहे हैं मैं उनको हर मन से सलाम करती हूँ बहुत ही मुश्किल सर्कमस्टांसिस में हमारे 700 सौ वॉल्टियर्स काम कर रहे हैं तो मैंने जब काम हमने इरादा किया कि वहाँ पर काम करना है तो हमने उनको पूछा कि आपने एन को कबूला क्यों शुरुआत में तो उन्होंने बोला आप नहीं समझ सकते बंबई दिल्ली में रहने वाले आप नहीं समझ सकते तीस पैंतीस साल से भाषी अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक इसी एक बोझ के नीचे जी रहे हैं कि कौन यहाँ का भारतीय है और कौन नहीं है तो हमने सोचा इफ देर इज़ अ फ्री फेयर एंड जस्ट एन तो कम से कम हम ये बच जाएंगे और आसाम का अनुभव हमें दिखाता है कि आप प्रशासन को और सरकार को इस तरह का अनहिंडर्ड पावर देकर ही अपनी पूरी जान की कुर्बानी कर डाल लेंगे दे नेवर बी फेयर प्रोसेस बावन हजार सरकारी कर्मचारी सात साल कुछ और काम नहीं करते बारह सो बीस करोड़ का खर्चा सरकार करती है वहां की जनता आवाम चौबीस हजार चार सौ करोड़ रुपया अपने जेब में छोटी छोटी जमीन छोटी छोटे कारोबार बेच के खत्म हो जाती बब पहले तीन तीन करोड़ बीस लाख की आज़ादी में पहले सूची में एक करोड़ बीस लाख बाहर दूसरी सूची में चवालीस लाख करोड़ ला, चवालीस लाख बाहर फाइनल सूची में उन्नीस लाख बाहर और फाइनल सूची जब आती है तो सरकार को भी पता चलता है कि ये उन्नीस लाख में ना हिंदू है ना मुसलमान है मुसलमान सिर्फ छः लाख है बाकी सब हिंदू हैं क्योंकि एक बार आप कार्रवाई शुरू करेंगे दस्तावेज की कहानी आप शुरू करेंगे सबूत दिखाने का काम शुरू करेंगे तो ये और भारत को यही होगा इसीलिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है नो टू सी ए नो टू एन पी आर नो टू एन हमारे देश में अट्ठावन प्रतिशत बर्थ रजिस्ट्रेशन हुआ है बयालीस प्रतिशत नहीं हुआ हमारे देश में एक सौ चौंतीस करोड़ की आबादी में से चालीस करोड़ असंगठित कामगार हैं असंगठित कामगार जिसमें से कई प्रतिशत काम असंगठित के पास आधार कार्ड भी आज नहीं है क्योंकि वो कोई मुकाम कोई एड्रेस नहीं लिखा सकते आज हमारी सरकार ने सैतालीस हजार करोड़ आप और हमारा पेंशन का पैसा रोक के रखा है क्योंकि नाम में फर्क है कुमार का नाम के यू एम ए आ एम ए आर है या सी ओ ओ एम ए आर है वो सरकार अलग अलग स्पेलिंग लेके फिर आपका पैसा रोक लेती है ठीक है पेंशन रोके तो एक बात मगर अगर आपका अस्तित्व ही आप ख़त्म कर देंगे नागरिकता का और ये हुआ है सत्तर साल की बुढ़िया पार्वती दास डिटेंशन कैंप में है डे बत्तीस साल का सुब्रत तो ने दम तोड़ दिया डिटेंशन कैंप के अंदर सौ लोगों की जान गई है भारत के पांचवे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का पूरा परिवार बाहर मोहम्मद सनाउल्ला जिन्होंने कारगिल में जंग लड़ा है वो डिटेंशन कैंप में भेजे जाते मतलब वी कैन नॉट गिव दिस पावर टू द गवर्नमेंट इन द ब्यूरोसी मैं कल बीर में थी गए हफ्ते में इंदापुर में थी मैं लातूर में थी तो वहाँ पे तो जहाँ पे ग्रामीण इलाकों में और ऐसे शहरों के बस्तियों में तो लोग दो मिनट में मामला समझ जाते हैं मध्यम वर्गी नहीं समझता क्योंकि मध्यम वर्गी को लगता मेरे पास दस्तावेज है बचा के रखो मगर जो वर्ग स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम में फंस जाते हैं पेंशन लेने में फंस जाते हैं उनको पता है कि एक बार आप दस्तावेज़ का खेल शुरू करेंगे डॉक्यूमेंट का खेल शुरू करेंगे तो फंसने वाले तो वही हैं उसमें हिंदू मुस्लिम रहने वाला नहीं है और निशान उनकी ज़मीन है ज़मीनों को बस साफ कराओ ऐसे दिखाओ कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है नागरिक है ही नहीं और फिर वो जमीन दे दो आप अडानी को अंबानी को डिटेंशन कैंप आप हिटलर जैसी न भी बनाए, तो आप लेबर कैंप बना सकते हैं जहाँ पे आप लोग फ्री लेबर करवा के लोगों का लेबर करवा अधिकार छीन कर तो ये सब चीज़ें हैं हम मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि अगर मैं इस पर ज़्यादा बोलने जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी दोस्त है गीता रामकृष्ण जो असंगठित कामगार बंगलोर में काम करती है मैं एक पच्चा लग लिख रही थी जैसे मैंने कॉपी दिया कि हाउ एन पी आर विल अफेक्ट द दुअरेस्ट मतलब ये गरीबों पे सबसे ज्यादा हमला करने वाली चीज होने वाली है उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होने वाले तो गीता जी ने मुझे कहा कि तीस्ता मेरे तीन हजार महिला है बैंगलोर के अंदर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है शायद मिलिन रानड़े का नाम आपने सुना होगा सफाई कामगार यूनियन को चलाते बम्बई में बारह साल का संघर्ष के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलता है कि परमानेंट हो गए आपके तीन सफाई कामगार ठीक है तो ये ऑर्डर मिलता है उनको तीन साल पहले तो मैंने मिलन को पूछा मिलन हो गया ना उनका काम बोले क्या हो गया सिर्फ 370 मजदूर को परमानेंसी बीएमसी ने दिया है बाकी को क्यों नहीं दिया क्योंकि दिलीप का नाम कहीं आई के साथ है तो कभी ई के साथ है मंडल का, का काम के ओ के साथ है, तो कभी यू के साथ है तो अगर महानगर पालिका सरकार पेंशन फंड आपके पैसे और अधिकार वैसे भी नेम स्पेलिंग की वजह से नहीं दे रहे हैं तो नागरिकता तो दूर की बात है नागरिकता भी नहीं देंगे ज्यादातर आसाम में नेम डिस्क्रेपेंसी डेट डिस्क्रेपेंसी ऐसे छोटे मोटे गलतियों की वजह से जो सरकार की गलतियां हैं उनकी वजह से वंचित लोगों को किया गया है सबसे ज्यादा हमारी महिला उन्नीस लाख ,00 में से सिक्सटी हमारी महिलाओं को एनआरसी से बाहर क्योंकि ग्रामीण महिला घर में पैदा होती है स्कूल ख़त्म नहीं करती है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है शादी 18 साल से पहले हो जाती है तो पहली बार जब उसको सरकारी रूप में आप पाते हैं इलेक्ट्रल रोल में तो उसके शौहर के घर में जब उसका नाम बदला ना भी हो मगर बदल जाएगा पहले वाले नाम से तो इसीलिए गांव बारा सर्टिफिकेट को पहले एक्सेप्ट किया फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही गांव बारा सर्टिफिकेट को नकारा तो इतने कॉम्प्लिकेशंस आए आसाम में कि निचोड़ इसका यही है कि आप नागरिकता को दस्तावेज और पुरावे के साथ नहीं तोल सकते दुनिया में कहीं पर ही नहीं है भारतीय नागरिकता कानून स्पष्ट कहता है कि सतासी तक अगर आप पैदा हुए हैं यहाँ पे तो आप भारतीय हैं सतासी के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका पैदा होना ज़रूरी है और माता पिता दोनों में से एक और 2004 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका पैदा होना जरूरी है माता पिता में दोनों में से एक और दूसरी जो दूसरे पेरेंट है वो अवैध प्रवासी न हो ये ज़रूरत है कानून के हिसाब से आसाम में थोड़ा सा अलग है छासठ और इकहत्तर का है क्योंकि आसाम अकॉर्ड है हमारा ये कहना है कि अगर अवैध प्रवासी को आपको ढूंढना है तो आपके पास कानून है आपके पास पासपोर्ट रूल्स हैं आपके पास फॉरेनर्स एक्ट हैं वो आप लागू कीजिए मगर सारे जनता आवाम को ये जाल में फंसाने का काम आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं आपने अर्थव्यवस्था को डुबा के रखा है आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं आप सिर्फ समाज में उथल पुथल पैदा करके हिंदू बना मुसलमान बना करके उसी राजनीति को आप चलाना चाहते और यही मन से मैं बस खत्म करने के वक्त ये कहूँगी कि 15 दिसंबर को जब जामिया पे हमला हुआ और अलीगढ़ पे जमला हुआ हमला हुआ तो ये देश के नौजवान ने ये हिंदू बना मुसलमान की बात को नकारा बत्तीस विश्वविद्यालयों से नौजवानों ने आईआईटी बंबई से लेके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जलगांव की उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय ने छ सौ दो हज़ार हज़ार बच्चे निकाल करके कहा कि ये नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं बहत्तर सालों में कहीं ना कहीं लोगों के रग में ये बात तो घुस चुकी है कि ये देश धार्मिक राष्ट्रवाद पे इसलिए देश का निर्माण नहीं हुआ और धार्मिक राष्ट्रवाद को हम नहीं टिकने देंगे बहुत बहुत शुक्रिया